प्रोग्राम का एक टॉपिक था रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस भी, तो दोबारा करते हैं क्योंकि आपको बोल वाले हो गए। लिखो रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। क्योंकि टॉपिक में यूज होने वाला है अभी, ठीक है, पता तो होना चाहिए कम से कम आपको क्या वो चीज़ है। ये रिलेशन बिटवीन कुछ नहीं, सिंपल सा रिलेशन है भाई, बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। व्हाट इज फेज डिफरेंस भी? एंगल का डिफरेंस तो क्या बोलते हैं हम लोग, फेज डिफरेंस बोलते हैं। एक वेव चल रही है, यहाँ पे कितना एंगल था अभी? जीरो, यहाँ पे 180, यहाँ पे 360, यही होता है। जीरो, 90, 180, 270, 360 भी, अगर आपको याद हो SHM भी, उसमें अगर आपको ड्रा किया गया था पहली बार इंटरम ऑफ एंगल्स भी, ठीक है। यस सर ना, वेव चल के यहाँ पे चली गई भी, यहाँ तक पहुँच गई, कितना फेज डिफरेंस हुआ भी? इस पॉइंट में भी 360 का डिफरेंस है, घूम के वहीं पे आ गया, कितना डिफरेंस है 360 का। कितना पाथ डिफरेंस है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भाई, ये पाथ डिफरेंस होगा। पेनिम रिलेशन करना मेरे को, ये क्या एक्चुअल में क्या लैम्डा भाई, वेव लेंथ ऑफ लाइट, और ये कितना कंप्लीट 2π, ये जीरो है, तो आपको 2π और लैम्डा में डिफरेंस करना है, सॉरी रिलेशन करना है इनके बीच में। तो मैं लिख सकता हूँ व्हेन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, देन फेज डिफरेंस कितना है इज इक्वल टू 2π। यस आर नो, मैंने सही लिखा बात ये, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा तो कितना फेज डिफरेंस है 2π का है। जब पाथ डिफरेंस पर लिखना आपको, व्हेन पाथ डिफरेंस इज 1 देन फेज डिफरेंस इज कितना होगा 2π/λ। यस आर नो, पूरा लिखो, व्हेन पाथ डिफरेंस इज 1 देन फेज डिफरेंस इज 2π/λ, हो जाएगा पता नहीं। यस आर नो, लिखो व्हेन पाथ डिफरेंस इज dx, कुछ भी हो सकता है अभी, देन फेज डिफरेंस कितना होगा भाई d5 मान लूं, फेज डिफरेंस कितना d5, व्हाट द वैल्यू ऑफ d5 क्लास, यहां से d5 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 2π/λ इंटू dx भी। यस आर नो, बता दो ये क्या है फेज डिफरेंस, ये क्या है पाथ डिफरेंस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो रिलेशन क्या बना, रब कर दें इसको, फेज डिफरेंस बराबर है किसके इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस भी। क्या मैंने सही लिखा? सही है कि नहीं है? dx इज द पाथ डिफरेंस, d5 इज द फेज डिफरेंस, ये रिलेशन है अभी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास। ये आपको ये बोलेगा यहाँ से कि पहला पॉइंट भाई इंटेंसिटी बराबर क्यों है सारी थिंग्स की भी, और उनके वो अल्टरनेट फॉर्म में क्यों है, दो पॉइंट प्रूव करेंगे यहाँ से हम लोग, अल्टरनेट फॉर्म में क्यों है और इंटेंसिटी बराबर क्यों है, और नेक्स्ट टॉपिक में क्या प्रूव करेंगे उनके बीच में स्पेस इक्वल क्यों है। मैंने तीन वर्ड यूज़ किए थे यहाँ पे, इक्वल इंटेंसिटी, अल्टरनेट फॉर्म में है और स्पेस बराबर, अभी तीनों प्रूव करने हैं हमको, दो पॉइंट यहाँ पूरे होंगे, एक पॉइंट वहाँ पूरा होने वाला है नेक्स्ट टॉपिक में भी। तो देखिए हमारे पास दो तरह की वेव, हमें दो वेव को सुपरइम्पोज करवाना पड़ेगा, कम से कम दो वेव तो होनी चाहिए भी हमारे पास। लिख लीजिए वी हैव टू वेव ऑफ कोहेरेंट सोर्स भी, वी हैव टू वेव ऑफ कोहेरेंट सोर्स। वेव को कैसे लिखते हैं क्लास, कुछ याद है वेव को लिखने का तरीका क्या है? y इज इक्वल टू a sin ωt। यस सर नो, करंट को लिखा था i इज इक्वल टू i0 sin ωt, वेव था। यस सर नो,
तो दो वेव हैं भाई, पहली वेव वाई वन मान लेता हूँ, कितनी है ए साइन ओमेगा टी, वेव हुआ तो ये इक्वेशन को फॉलो करेगा भाई, कर लोगे। दूसरी वाई टू ले लेते हैं भाई, बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या माइनस फाइव, क्या हुआ? अब यहाँ पे बी यूज़ किया गया, आप ए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कंडीशन नहीं है कोहेरेंट सोर्स के लिए कि एम्पलीट्यूड बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स की कंडीशन क्या थी? फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ बराबर होनी चाहिए भाई, यस सर ना? और कॉन्स्टेंट होना चाहिए, मैंने फाइव डाल दिया क्योंकि काट दूंगा तो बराबर हो जाएगा, सिंपल कंडीशन बन जाएगी इसकी। अगर बाई चांस कॉन्स्टेंट हो जाए फेज डिफरेंस भाई, मतलब चेंज तो हो रहा है बट कॉन्स्टेंट फॉर्म में चेंज हो रहा हो, तो उसका आंसर ले रहा हूँ मैं अभी, ये नहीं है तो बराबर तो है ही, दिक्कत क्या रहेगी? सिंपल टॉपिक होगा बिल्कुल आपका। अब प्रॉब्लम क्या, अगर चेंज हो रहा तो कॉन्स्टेंट फॉर्म भाई, तो ये आंसर होगा, यस सर ना? बराबर भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ये कोई कंडीशन नहीं है इसकी। मैंने बराबर में तो सिंपल पॉइंट हो जाएंगे सारे भी, इसलिए बराबर नहीं यूज़ नहीं कर रहे हम, अलग अलग यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को भी, कर लोगे। अब ये वेव सुपर इम्पोज करेंगे भी, पता नहीं कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन ये तो होगा भाई, अगर नेट वेव बनाएंगे तो ऐसा तो लिखेंगे हम लोग, एडिशन ही करना होता है, हो सकता है नेगेटिव, क्या करने हैं, नेगेटिव ऑल्सो एडिशन ऑफ टू वैल्यूज व्हिच वन इज नेगेटिव, वो बाद देख लेंगे प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, यस और नो? तो वाई इज इक्वल टू भी, ये नेट वेव होगी भी आफ्टर सुपर इम्पोजिंग भी, अरे समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, सही लिखा है? ये फार्मूला बन रहा है भाई साइन ए प्लस बी का, किसको पता है भाई वालों को? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यस सर ना? नहीं पता लिख सकते हो साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सॉल्व करो भाई, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, क्या मैंने सही लिखा? अरे बता दो, वाई इज इक्वल टू गुणा कर लें, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, यहाँ पे आंसर पूरा हो जाता है हमारा एक्चुअल में, ठीक है? ये आंसर टॉपिक पूरा हो गया यहाँ पे एक्चुअल में भी। प्रॉब्लम क्या है, हम जब हार्मोनिक कंडीशन यूज़ करते हैं, आप लिखते हैं इट इज़ अ सिंगल वैल्यू ऑफ साइन और कॉस, नोटक वहाँ पर भी करते हैं हम लोग, ये और याद है SHM भाई, व्हाट इज़ हार्मोनिक फंक्शंस विच हैव सिंगल वैल्यू ऑफ साइन और कॉस, या तो उसको साइन बदल लो सारे को या कॉस में बदल लो, आप नोटक शुरू हो जाएंगे, टॉपिक पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है? अब इसको चेंज किया जाएगा किस फॉर्म में, साइन या कॉस के अंदर, उसकी ट्रिक्स होंगे भी, रब करते हैं भी इसको। पूरे इक्वेशंस में क्या कॉन्स्टेंट चल रहा है अभी? कॉन्स्टेंट है एयर भी, तो एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा हमेशा, फाई कॉन्स्टेंट है भाई, फेज डिफरेंस, फाई क्या था? फेज डिफरेंस था, ओके? तो फाई वाले फैक्टर कॉन्स्टेंट चल रहे हैं और ए और बी वाले कॉन्स्टेंट चल रहे हैं, तो इन्हीं को चेंज कर लेते सारे, तो कितना आएगा? मैं मान लेता हूँ, देखो ये ट्रिक अभी क्लास मैथमेटिकल ट्रिक होते हैं, मैं मान लेता हूँ किसको इक्वल टू बी, ए वाई इज इक्वल टू ए सॉरी साइन ओमेगा टी बाहर निकाल लिया, क्या बचा? ए प्लस बी कॉस फाइव, सही है कि नहीं है? प्लस बी साइन फाइव कॉस ओमेगा टी, लिख सकता हूँ ऐसे? अरे सही लिखा है मैंने यहाँ पे, क्यों पहले वाले कंडीशन में ए छोड़ गए थे हम लोग, ए को नहीं छोड़ना भाई, ए और बी को कैंसिल करो यहाँ पूरी इक्वेशन से भी, ठीक है? आर लेके आओ नया एम्पलीट्यूड भी, हो गया इतना भी, ये रब कर दें। अब मैं मान रहा हूँ ए प्लस बी कॉस फाइव को मैंने मान लिया आर कॉस थीटा भी,
और मैंने मान लिया बी साइन फाइव को क्या मान लिया, आर साइन थीटा वेव। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड सही है कि नहीं है? अब ये ऐसा क्यों किया, इसमें पुट करो वैल्यूज, देखना क्या आंसर आएगा। अभी वाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ए प्लस बी कोस फाइव कितना है, आर कोस थीटा, प्लस बी साइन फाइव आर साइन थीटा कोस ओमेगा टी। इस पूरी इक्वेशन से आर कॉमन आ रहा है, आर को बाहर निकालो, वाई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे क्या बचा भाई, साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा, यस आर नो? ये फार्मूला बन रहा है भाई, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का भाई, तो क्या लिखोगे इसको, वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट वेव आफ्टर सुपर इम्पोजिंग वेव इंटर ऑफ सिंगल वैल्यूज ऑफ साइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ट्रिक याद रखोगे, जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है उनको मान रखा अभी, ठीक है। थीटा क्या है, थीटा गेन तो फेज डिफरेंस भी, ये फाइव को ही शो कर रहा है थीटा भी कर लोगे। देखो यहाँ पे एंगल था ना, तुमने उसी एंगल को माना हुआ है, ये बराबर मान रखा मैंने वैल्यूज को इनको एंगल के साथ में। हो गया इतना, ये हो गया भाई वाइड न्यू वेव आफ्टर सुपर इम्पोजिंग। प्रॉब्लम क्या है, मेरे को आर का पता नहीं इसमें कितना है, मेरे को ए और भी तो पता था लेकिन मेरे को आर पता नहीं है अभी। सही है क्या, आप आर निकाल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में? इतना हो गया अभी क्लास, लिखिए स्क्वेयर एंड एडिंग वन एंड टू भी, स्क्वेयर एंड एडिंग वन एंड टू रब कर दें इसको, जो तुम मान तुम आर में तुमको थोड़ी लग रही है कन्फ्यूजिंग वो खत्म हो जाएगी यहाँ से अभी। स्क्वेयर एंड एडिंग वन एंड टू कैसे करोगे बताओ, ले सकता हूँ आर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर कोस सॉरी साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कर दिया, इज इक्वल टू ए प्लस बी कोस फाइव का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव। क्या मैंने सही लिखा है? कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है भाई। आर स्क्वेयर कॉमन निकाल लें, क्या हो गया कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर वन हो गया अभी, यस आर नो? इज इक्वल टू, ओपन करें इसको भी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाइव प्लस टू ए बी कोस फाइव प्लस बी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव। सही है, अब यहाँ से और यहाँ से भी बी स्क्वेयर कॉमन अभी, तो क्या बचेगा कोस स्क्वेयर फाइव प्लस साइन स्क्वेयर फाइव, पता नहीं चल रहा, सो गया तो प्लस टू ए बी कोस फाइव। सही है कि नहीं है? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस वन हो गया टू ए बी कोस फाइव, जो अपने आर मानना था ना उसकी वैल्यू आ गई भाई, और थीटा खत्म हो गया वहाँ से, फाइव की टर्म आ गया सर आंसर्स पे, यस सर नो? जो था उसी में आ लिया, मेरा आंसर लिया हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मैंने काम क्यों किया था, मान के कि मेरी मेन वेव को इंटर सिंगल वैल्यू में लिया हूँ उसको मैं साइन या कोस की भी। अरे समझ में आ रहा तुम लोगों को? अब भी जो माना था उसको वही टर्म लिया है मैं जो मेरे को पता था ए और बी भी एंड फाइव हो जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर भी, अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस फाइव। इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग वेव,
आफ्टर सुपर इम्पोजिंग। समझ में आई बात है? यस आर नो? अब टॉपिक शुरू करते हैं अभी, हो गया। मान लीजिएगा लेट आई वन, ये क्या है आई टू, लिखो इंटेंसिटी ऑफ वेव वन एंड टू, इंटेंसिटी ऑफ वेव वन एंड टू। वन और टू की इंटेंसिटी है भैया, यस सर नो? तो उसका वैल्यू कितना होगा आई वन का भी? लिख सकता हूँ आई वन प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर भी। मैं लिखवा था इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी, यस सर नो? आई टू प्रोपोर्शनल टू बी टू, बी स्क्वायर। और मान लेता हूँ भाई लेट आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव भी। मेरे को पता नहीं है कि वो कम हुई कि ज़्यादा हुई, वो तो चेक करनी मेरे को अभी। आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग वेव, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं आई को? आई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भाई, उसका एम्पलीट्यूड क्या है? आर है, यस आर नो? क्या इस पूरी इक्वेशंस को जो मैंने निकाला उसमें रख सकता हूँ मैं? मैंने लिखा था आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ करके, तो कैसे लिखेंगे? मेरी इक्वेशन ये आई थी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव था, फाइव। इसको कैसे लिखूं? इनकी कॉन्स्टेंट ये टाओ भाई साइन को, सभी में कॉन्स्टेंट क्या आएगा? इंटेंसिटी के निकाल रहे हैं सर, हाँ के के के, यहाँ पे के आएगा, यहाँ पे के, सभी के कॉमन काट काट दूँ के को भी, के जरूरत नहीं रहेगी आपको, यहाँ से सरा कट जाएगा, के यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, काट दो भाई के को। इसको क्या लिखूँ? इसको आई लिख दूँ, इसको आई वन, इसको आई टू प्लस टू, ए को क्या लिखूँ? अंडर रूट आई वन, अंडर रूट है आई वन, यस सर ना? यहाँ पे क्या आएगा? अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू कॉस फाइव, क्या मैंने सही लिखा? yes, सो रहे हो? वे ऑफ टिक्स पढ़ रहे हो? आसान है? yes, अरे आसान है भाई, सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, हमने कुछ करवाया तो अपने नहीं पढ़ा अभी तक। हाँ थोड़ा किस्सा करवाया, पहले सुना करवाना लग रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा आपको पॉइंट्स। मैं सारे टॉपिक, ये सारे टॉपिक प्रश्न में हो चुके हैं भाई हमारे, इंटेंसिटी निकाल चुके प्लस में हम लोग, कर लोगे अभी क्लास। अब क्वेश्चन उठेगा भाई आई मैक्सिमम कब होगा भाई? मैक्सिमम होगा तो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव बनेगा। अगर मिनिमम होगा तो क्या बनेगा? डिस्ट्रक्टिव बनेगा। सभी कॉन्स्टेंट है भाई, इसको छोड़ गया सिर्फ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी सारी चीज़ कॉन्स्टेंट है, लिख लीजिए पहला पॉइंट भी इसका, फॉर मैक्सिमा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी, यस भी पहला पॉइंट था फॉर मैक्सिमा और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारी इंटेंसिटी आई थी आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू, लिख सकता हूँ एक साथ कोस फाइव, यस आर नो? अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, आई मैक्सिमम चाहिए, तो कॉस फाइव की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए अभी। कब आएगा? व्हेन कॉस फाइव इज मैक्सिमम भी, और कॉस साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? वन। तो किस एंगल पे वन होती है भाई? जीरो पे, टू पाई पे, फोर पाई पे एंड सो ऑन। तो मैं फाइव लिख सकता हूँ कि टू एन पाई है, फाइव क्या था? फेज डिफरेंस भी, कि इस पाई के ऊपर क्या मिलेगी आपको? मैक्सिमम मिलेगा भाई। इस पाई पे क्या पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं आप लोग? पाथ डिफरेंस कितना आएगा भाई? एन लैम्डा। कितना आएगा? फार्मूला क्या था पाथ डिफरेंस का? टू पाई बाई लैम्डा बाई इनटू फेज डिफरेंस। उल्टा बोल रहे हो, पाथ डिफरेंस क्या था? लैम्डा बाई टू पाई इनटू फेज डिफरेंस, ये था ना? फाइव कर दूं तो कितना था पाथ डिफरेंस? कितना आया? लैम्डा बाई टू पाई इंटू टू एन पाई
टू पाई से टू पाई काट दें तो पाथ डिफरेंस हुआ कितना भाई, एन लैम्डा बाई। समझ में आया ये बात? यस और नो? इसका मीनिंग बताऊंगा अभी कुछ देर में, क्या मतलब है इस बात का भी हो जाएगा अभी। एन कहाँ से कहाँ तक वेरी करा था, मैं लिखा था एन जीरो भी था, वन टू थ्री एंड एन भी कर लोगे। समझ में आई बात है? इसी की मिनिमम कंडीशन क्या हो सकती है अभी, सेकेंड पॉइंट भी फोर मिनिमम भी, यानी फोर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकेंड पॉइंट भी किसके लिए है, फोर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव की बात करें तो फाइव कितना होना चाहिए, कॉस फाइव कितना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए अभी। और मिनिमम कितना होता है, माइनस वन होता है, जीरो नहीं होता, कितना होता है माइनस वन भी। कॉस साइन लाई बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन भी, क्या सर ना किस एंगल पे होता है भाई, कुछ याद है? देखिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे वन था यहाँ पे माइनस वन था भी, तो कितने पे, पाई पे, फिर थ्री पाई पे, फिर फाइव पाई पे। यस सर, देखो वन पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई फाइव पाई सिक्स पाई ऐसे भी, तो कितने पे आएगा, पाई पे, फिर टू पाई पे सॉरी थ्री पाई, फिर फाइव पाई एंड सो ऑन भी कर लोगे। जनरल इक्वेशन कैसे बनाऊँ, टू एन माइनस वन पाई प्लस क्यों नहीं किया, एन की वैल्यू जीरो शुरू नहीं हो सकती, जीरो यूज कर लिया गया था, अभी एक ही हो जीरो होगा स्टार्टिंग, एक ही ओरिजिन एक ही होगा भाई, कर लोगे तो एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो होगी तो देखो इसको ऐसा कर सकते, टू एन प्लस वन भी कर सकता मैं, तो आपको क्या होना पड़ेगा कि जीरो वो है तब जाके वन आंसर आता है इसका भी, कर लोगे तो यहाँ पे वन करोगे कितना आएगा, वन टू माइनस वन पाई हो गया, टू करोगे फोर माइनस वन थ्री पाई हो गया, इस तरह से भी तो आ गया फाइव का वैल्यू। एन का वैल्यू आई कहाँ पे करता है, वन टू थ्री एंड सोन भी। इसके दो तरीके हैं, बुक वाला तरीका करवा रहा हूँ आपको मैं, हमारे सर को हमको टू एन प्लस वन टर्म में करवाया था टॉपिक, प्लस टू में कभी टू एन प्लस वन की टर्म में भी, और उसने क्या लिया था जब वाई वन वाई टू लिए थे हम लोगों ने, और हमने ए और बी यूज़ किया, उसने दोनों को ए यूज़ कर लिया था भाई, कोई कंडीशन थोड़ी है डिफरेंट हो, बराबरी हो सकते हैं भाई, और आंसर डिफरेंट हो गए थे सारे, ठीक है। इसकी देखो ये तरीका से होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात की, हो जाएगा भी। अब पाथ डिफरेंस कितना होगा अभी, ये होता है कितना था, लैम्डा बाई टू पाई इंटू फाई, तो लैम्डा बाई टू पाई, फाई कितना है टू एन माइनस वन पाई, काट दें भाई तो कितना पाथ डिफरेंस बना, निकाल सकते हो, पाई से पाई काट दो, ले सकते हैं टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, चेक करो टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू हो गया टॉपिक पूरा उसका भी। एक प्रॉब्लम क्या, जो निकाला इसका मतलब क्या है, हमें क्या प्रूव करना है, एक्सपेरिमेंट के दौरान तीन चीज़ें ऑब्जर्व हुई थी। पहला पॉइंट ये था कि जो फ्रिंक्स बन रही थी वो अल्टरनेट फॉर्म में बन रही थी, दूसरी पॉइंट ये था सभी का इंटेंसिटी बराबर था भाई, सभी डार्क का सभी ब्राइट्स का भी, क्या सर ना। थर्ड पॉइंट ये था कि सभी इक्वल स्पेस पे बन रही थी, इनमें से कोई प्रूव नहीं किया हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे। अब ढंग से देखिए इस टॉपिक को भी, ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है, क्या मैक्सिमा की सभी कंडीशंस में फाइव की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है, चाहे वो जीरो हो चाहे टू पाई हो चाहे फोर पाई हो एंड सो ऑन भी, कुछ भी फाइव यूज़ कर लो भाई, इसकी आंसर एक ही आएगा मैक्सिमा भी। फाइव की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा, सारी ब्राइट इतनी ब्राइट बन रही होंगी, चाहे वो लैम्डा पे बने चाहे वो टू लैम्डा पे बने चाहे वो थ्री पे बने चाहे फोर पे बने चाहे फाइव पे बने, उसकी वैल्यू की हर एक की वैल्यू क्या होगी, फाइव की वैल्यू वन होगी, मैक्सिमम आंसर आएगा। जितनी भी मिनिमम बन रही हैं चाहे कहाँ बने, टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू, एन को वन करके देखो कितना आंसर आएगा, लैम्डा बाई टू आएगा, फिर क्या आएगा थ्री बाई टू लैम्डा बाई थ्री बाई टू लैम्डा, फिर क्या आएगा फाइव बाई टू लैम्डा, इन पर क्या मिलना है, मिनिमम मिलना है, क्या सभी का आंसर फाइव का माइनस वन रहेगा, बिल्कुल रहेगा भाई, यानी सारी इंटेंसिटी बराबर है मैक्सिमा की, सारी इंटेंसिटी बराबर है मिनिमा की, एक पॉइंट प्रूव हो गया भाई।
समझ में आया कि नहीं आया? लिसन, इसका ग्राफ बनाया इन्होंने भी, ग्राफ बनाया वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच का, भी किसके बीच का, वेवलेंथ या पाथ डिफरेंस और इंटेंसिटी के बीच का भी ग्राफ देखो कैसा बनना है। यहाँ पे था पाथ डिफरेंस सारे पे, और यहाँ पे है इंटेंसिटी, यहाँ पे क्या है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या है पाथ डिफरेंस, ठीक है, बीच में भी जीरो, ये जीरो क्या हुआ बताऊँ कुछ देर के बाद टॉपिक आएगा, इसका है मिड पॉइंट में, कौन सा बताएंगे कुछ देर में आएगा टॉपिक्स, ये जीरो है, एन वन कर दे दो लेमडा आएगा, टू लेमडा, यहाँ पे थ्री लेमडा एंड फोर लेमडा एंड सोन, भी उल्टा करें तो माइनस लेमडा, माइनस टू लेमडा, माइनस थ्री लेमडा, माइनस फोर लेमडा, इसका मतलब बताऊँगा क्या है उल्टा क्यों किया, कर लोगे? मैक्सिमा कहाँ पे है, मैक्सिमा किस की वैल्यू बराबर होगी, सभी में कोस की वैल्यू क्या है वन है, तो कुछ ना कुछ तो मैक्सिमा होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, यस आर नो, तो पहला मैक्सिमा कहाँ मिल रहा है, जीरो पे मिल रहा था, चेक करो एन की वैल्यू जीरो यूज की हुई वहाँ पे, तो पहली मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ मिल रही है जीरो पे। अब ये तो मैक्सिमा की बात कर ली, अब बात करते हैं मिनिमम की भी, मिनिमम पहला मिनिमम कहाँ मिला मेरे को, एन की वैल्यू वन करके देखो क्या मिला, लैम्डा बाई टू पे, कहाँ मिला लैम्डा बाई टू पे, कहाँ मिलेगा यहाँ पे, ये क्या है लैम्डा बाई टू, यस और नो, सेकेंड बाई इसके बीच में होगा थ्री बाई टू लैम्डा, इसकी वजह फाइव बाई टू लैम्डा, यस और नो, ये वाला सेवन बाई, ऐसा लगा अल्टरनेट फॉर्म में आना शुरू हो गया टॉपिक्स पे, ये वाला माइनस लैम्डा बाई टू, ये वाला आपको टॉपिक बड़ा करना थोड़ा डायग्राम ये सारे दिख जाए इसमें से पॉइंट्स, ये वाला माइनस फाइव बाई टू लैम्डा एंड सोन, भी कर लोगे करा बनाओगे कैसे बनेगा देखना, इसमें मैक्सिमम अगले पे मिनिमम भी, इसमें मैक्सिमम अगले पे मिनिमम भी, यस सर नो, फिर इंटेंसिटी बराबर है भाई, इसमें मैक्सिमम यस सर नो, फिर कहाँ गया बताऊंगा तो ग्राफ आपको कैसे बनाना है, एक बनाना मत अभी शुरू हो गए ठीक है, ये तो मैंने एक एक करके था ना आपको ऐसे अच्छा बनाना आपको एंड सो चेक कर लो, देखो अभी सभी पे इन पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम है इन पे, सभी पे क्या है मिनिमम है, इंटेंसिटी सभी की क्या है बराबर है, क्या अल्टरनेट फॉर्म में बन रहा है ये पता है क्या, एक्चुअली दीवार को खड़ा कर दूँ ना, ये दीवार का पैटर्न है भाई, फ्रिंग्स बन रही है, ये फ्रिंग्स बना दी मैं दीवार पे, ये है जो हमने पूरा टॉपिक किया है कि अल्टरनेट फॉर्म में बन रहा है डार्क और ब्राइट इक्वल इंटेंसिटी का बन रहा है, यस आर नो, कैसे बनाना है रब करते हैं इसको, बना लिए अब लिख दो, ऐसे यस सर ना, अच्छा लगेगा ये लिखोगे बनेगा नहीं, पहले बना लो उसके बाद लिख दो, इंटेंसिटी मैक्सिमम ये इंटेंसिटी लिख दो, ये ऐसे लिख दो, कर लोगे? आपको क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, रिलेशन क्या हो सकता है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड ए मिनिमम इंटेंसिटी भी, आर क्या था क्लास ले सकता हूँ, आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस फाइव, यस सर ना, किसको दिखाता था इंटेंसिटी को, अंडर रूट कर दें या आर स्क्वेयर कर लो, आर स्क्वेयर था क्या ये, ऐसा यस सर ना, ये दिखाता है इंटेंसिटी को भी,
लिख सकता हूँ इट इज आई, आई फॉर इंटेंसिटी, यस और नो? अब आई मैक्सिमम कब होगी भी? आई मैक्सिमम भी कब होगा? व्हेन कॉस 5 इज 1 भी। ये बात सही है। आई मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस 5 कितना हो जाएगा? 1। कितना वैल्यू होगा आई मैक्सिमम का भी? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 5 कितना हो गया? 1। यस और नो? क्या मैं इसको ले सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वेयर भी? कुछ नहीं है, घुमा फिरा के कुछ बना रहा है बिना बात का भी। बस रिलेशन करना आई मैक्सिमम आई मिनिमम में भी। आई मिनिमम कब होगा भी? जब कॉस 5 कितना होगा? माइनस 1 होगा। यस और नो? अगर कॉस 5 को माइनस 1 लिख दूं मैं तो आई मिनिमम कितना होगा भाई? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। बता दो कि क्या लिख सकते हैं इसको? ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आई मैक्सिमम एंड आई मिनिमम भाई? आई मैक्सिमम बाय आई मिनिमम मैं क्या लिख सकता हूँ? एक नया फॉर्मूला बना दिया हम लोगों ने, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बाई ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। आपको दे सकता है ये, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन आई मैक्सिमम इज दिस आई मिनिमम इज दिस। निकाल लो क्या प्रॉब्लम है। यस आर नो? दूसरा भाई, इसमें एक सेकेंड पॉइंट बनेगा भाई, विड्थ भी आपको स्लिट का विड्थ दे देगा भाई। विड्थ में कोरिलेशन अभी तक नहीं आया भाई, ठीक है? लिख लीजिए, लेट एक बना दिया फॉर्मूला, ये लिखिए, लेट ए डब्लू वन एंड डब्लू टू आर द विड्थ ऑफ स्लिट भी। डब्लू वन डब्लू टू आर द विड्थ ऑफ स्लिट। स्लिट की कितनी मोटाई है ये नहीं दी अब तक उन्होंने टॉपिक में। विड्थ क्या है? विड्थ डिपेंड किस पे करेगा भाई? सॉरी, इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करेगा? पहला पॉइंट एंगल के ऊपर। दूसरा पॉइंट भाई, मोटाई कितनी है विड्थ की, तो डिपेंड करेगा कितना लाइट अंदर आ रही है उसके। जितनी मोटा होगा उतना लाइट अंदर भी आएगी। अरे ये सर ना, तो सिंपल फार्मूला बनाना अभी आपको, डब्लू वन बाई डब्लू टू इज इक्वल टू योगा इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वे। दो स्लिट हैं, दो विड्थ हैं, और ये किस पर डिपेंड करेगा? ये ए स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर। ये फार्मूला सही है।